तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रांड जिंक्स यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ना कि भीम यूपीआई का जो हमारा यूपीआई पिन है, यदि हम भूल गए कोई भी जैसे ट्रांजेक्शन करने जाने भीम यूपीआई से, ठीक है, तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे जब हम पिन मांग रहा है तो पिन हम दे नहीं पा रहे, हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो कैसे उसको हम पिन को फॉरगेट करेंगे, रीसेट करेंगे, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो हमारी पसंद आएगी तो इस वीडियो को आखिर में आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ भी यहाँ पे पेमेंट वगैरह करने जा रहे हैं ना, तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम अपना जो पिन है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे, हमको पिन याद ही नहीं है। तो हम कैसे यहाँ पे पिन के लिए दोबारा से रीसेट करेंगे, आज मैं आपको बताता हूँ। हमको सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। एक प्रोफाइल की बटन नीचे दिखेगी, इस पर हमको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट दिख जाएगा, जो अकाउंट आपका यहाँ पे भीम ऐप से लिंक है। सिंपल हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपके जितने बैंक अकाउंट लिंक होंगे यहाँ पे दिखाई देगा। अब जिस बैंक अकाउंट का आपका यूपीआई पिन मतलब भूल चुके हैं आप, याद नहीं, उस बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, हमें यूको बैंक वाला नहीं याद है। अब सिंपल हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ना फॉरगेट यूपीआई पिन का, इस पर हमको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने डेबिट कार्ड के लास्ट के ना 6 डिजिट आपको देना होगा। तो आई हम दे देते हैं अपने आखिरी के 6 डिजिट और यहाँ पे कब वो एक्सपायर हो रहा है वो भी देना है, ठीक है। तो हम दे देते हैं, दे के राइट करना है। राइट करेंगे थोड़ा सा वेट करना होगा और यहाँ पे वेट करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन और आपसे मांगे जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, यहाँ पे टाइम लगता है। और यहाँ पे देखिए हमारे नंबर पे एक OTP आएगी 6 अंक की, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा, OTP तभी आएगा जब आपका मोबाइल नंबर रिचार्ज होगा, क्योंकि रिचार्ज नहीं होगा तो OTP की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए हमारे पे तो OTP आ चुकी, तो एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसे 660 और 164 राइट किया। अब देखिए अब बोलेगा ना अपना ATM का पिन इंटर कर दीजिए यहाँ से, तो ATM का पिन इंटर कर देंगे, राइट करेंगे। अब आपको ना 4 अंक का UPI पिन यहाँ से सेट कर लेना होगा, ठीक है। तो आई हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना 4 अंक का पिन नया वाला बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम बना लेते हैं, बना लिया, राइट किया, बना के फिर राइट किया, ठीक है। अब हमारी पिन यहाँ से सक्सेसफुल बन चुकी है। अब इसी पिन की मदद से ना हम पेमेंट वगैरह भविष्य में कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करूँगा हमारी ये वीडियो ना आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।